तो ये जो है तोशिबा का फ्रिज है, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे इसके ये फंक्शन है, ये आप देख सकते हैं यहाँ। ये इको है जो इलेक्ट्रिक पावर सेविंग का होता है। और यहाँ पे ये फ्रिज कंट्रोल है, ये फ्रीज़र का यहाँ कंट्रोल है। तो मिनिमम कितना आपको चलाना है, तो यहाँ पे इसको आप इस तरह से कर सकते हैं, ये मिनिमम और मैक्सिमम ये इस तरह से। और यहाँ पे जो है ये क्विक फ्रीजिंग है, यहाँ पे आप अपने फ्रिज को फास्ट जो है वो फ्रीज ISP बना सकते हैं इसमें। और यहाँ से ये ऑफ हो गया और यहाँ से आप ऑन कर सकते हैं। और मैं इसके अंदर दिखाता हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली क्यूब बनाता है। यहाँ पे हम जो है वाटर फिल करते हैं इसके अंदर, तो ये इस तरह से हम इसको निकाल लेंगे। और मैं इसके अंदर वाटर डालता हूँ, तो इसको इस तरह से हम ये यहाँ से इसको ओपन करेंगे, ये स्लाइड करके इस तरह से ये स्लाइड कर दिया है। और यहाँ पे हम इसमें पानी डालेंगे, तो ये मैंने यहाँ पे इसमें पानी डाला इस तरह से। और उसके बाद हम इसको क्लोज कर देंगे। मैं मोबाइल पकड़ रहा हूँ, ये देखिए क्लोज हो गया। यहाँ पे इसको हम ले जाके फ्रिज में लगा देंगे इसको। तो देखिए कैसे लगाते हैं इसको, ये हम यहाँ रखेंगे इस तरह से इसको, और इसको पीछे की तरह से यहाँ स्लाइड कर देते हैं। ये स्लाइड हो गया पूरा, यहाँ इसमें पानी है। और इसको ये मैं बंद कर देता हूँ और हम आते हैं अब ऊपर। तो जहाँ पे हमारी ये आइस बनती है, तो ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे आइस बनती है, और यहाँ पे आइस बन चुकी है। तो ये देखिए यहाँ पे किस तरह से आइस बनती है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये आइस है, इसमें ये क्यूब बन जाते हैं इसको। ये आइस क्यूब इस तरह से आइस बनती है इसकी, आप देख सकते हैं ये इस तरह से आइस बनती है इसमें। तो इस फ्रिज का इस तरह से काम होता है, दो पार्ट में। ऊपर यहाँ पे आइस बनती है और नीचे मैंने आपको दिखाया था ये। और यहाँ पे हम वाटर जो है वो फिल करते हैं यहाँ पे इसके अंदर कंटेनर में, और इस कंटेनर से जो है ऑटोमेटिकली फिर आइस बन बन के यहाँ पे आ जाती है, ये इस तरह से आइस क्यूब। और यहाँ पे ये आप देख सकते हैं ये लिखा है ऑटोमेटिकली आइस मेकर, तो ये इस तरह से क्यूब बनते हैं यहाँ पे, आइस मेकर बनता है यहाँ पे। तो यही है इसका फ्रिज का। तोशिबा कंप्रेसर वारंटी 12 ईयर।